नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। आज के दिन की बात करें, अभी तक ये शेयर हमें 0.30% नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस शेयर से जुड़ी हुई आपके क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं कि क्या सर हमें इसे होल्ड करना चाहिए, तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों कल ही मैं वीडियो लेके आया था जिसमें अदानी पावर की बात की थी, उसमें भी मैंने साफ साफ बोला था कि अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पावर में प्रमोटर ही अपने शेयर बाय करते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ 100 से ज़्यादा कंपनी इस शेयर में बाइंग करते हुए देखने को मिल रही है। एच डी एफ सी बैंक की बात करें भी इस शेयर में भी एक अच्छी खासी बाइंग करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है। दोस्तों इसी हिसाब से प्रमोटर इस शेयर में अपने ही शेयर बाय करते हुए देखने को मिल रहे हैं ओपन मार्केट से। यहाँ से साफ एक आइडिया मिलता है कि आने वाले समय में कंपनी ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी के पास खुद की कंपनी की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि आने वाले समय में कंपनी क्या करके बता सकती है। उसी के चलते हुए अगर बात करें अदानी एंटरप्राइजेज की, इस शेयर में प्रमोटर अपने शेयर बाय करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव साइन माना जाता है, जो कि एक अच्छी बात निकल के आती है शेयर होल्डर के लिए। तो दोस्तों अगर आपके पास ये शेयर है, मैं आपको ये बोलूँगा जिस हिसाब से प्रमोटर बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं, म्यूचुअल फंड बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इस शेयर में बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं, एक बड़ा अमाउंट गाते हुए देखने को मिल रहे हैं, पूरी रिसर्च के बाद म्यूचुअल फंड इन जैसे शेयर में बाइंग करते हुए देखने को मिलते हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है, जिसके बाद आपको भी इस शेयर को बाय ही करना चाहिए। और अगर इस शेयर के बैलेंस शीट की बात करें, तो अगर इसी के बैलेंस शीट में रिजर्व की बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्व इस शेयर का लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले साल को कंपेयर करें, एक अच्छा खासा अमाउंट में इनका रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म बोनिंग की बात करें, ये हमें कम होती हुई देखने को मिली, और उसी के साथ शॉर्ट टर्म बोनिंग की बात करें, ये भी हमें कम देखने को मिली, जो कि अदानी के ग्रुप के लिए बहुत ही अच्छी बात निकल के सामने आती है, क्योंकि अदानी ग्रुप की बात करें यह लगातार बोरिंग बढ़ाते हुए देखने को मिली है, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें कंपनी अपना रिजर्व बढ़ाती हुई देखने को मिली है, और इसकी बोरिंग भी कम होती हुई देखने को मिली है, जो कि आने वाले समय में एक अच्छा साइन देखने को मिल रहा है इस शेयर के लिए। और कंपनी के टोटल एसेट की बात करें, तो आप यहाँ पे देखते हो कंपनी के टोटल एसेट भी हमें एक अच्छी खासी रेंज में बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो 21,000 करोड़ से इनके टोटल एसेट हमें ऑलमोस्ट दुगने होते हुए देखने को मिले, जो कि बहुत अच्छी बात निकल के सामने आती है। और बैंक अकाउंट की बात करें, कंपनी के बैंक अकाउंट में भी एक अच्छा खासा कैश पड़ा है, जो कि 1,300 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाता है। दोस्तों जिस हिसाब से इसकी बैलेंस शीट सुधरती हुई देखने को मिली है, जिस हिसाब से प्रमोटर बाइंग करते हुए देखने को मिले हैं, म्यूचुअल फंड एचडीएफसी बैंक तक इस शेयर में बाइंग करते हुए देखने को मिले हैं, मैं आपको ये बोलूंगा अगर आपके पास ये शेयर है होल्ड करके रखिए, और अगर बाय करने का नजरिया है, तो मैं आपको यही बोलूंगा एसआईपी के तौर पर इस शेयर को बाय करके चलिए, क्योंकि जिस हिसाब से हर कोई इस शेयर में बुलिश होता हुआ देखने को मिला है, तो आप भी इस शेयर से एक अच्छा खासा और सेफ रिटर्न ले पाए एसआईपी के बदौलत। शो आशा करता हूँ दोस्तों आपके वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।